क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक मन में भय समाता है यार, कुछ होगा या नहीं होगा। अब सबसे पहले तो आदमी को ये करना चाहिए कि आप जो भी किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव अज्ञात भय अनयूजुअल फियर को इंटरव्यू देने जाता है, उसके दो दिन पहले से उसकी नींद उड़ जाती है, डर लग रहा होता है यार क्या होगा इंटरव्यू में। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक मन में भय समाता है यार, कुछ होगा या नहीं होगा। अब सबसे पहले तो आदमी को ये करना चाहिए कि आप जो भी किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी ऐसे कंपटीशन या इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, मन में सबसे पहले तो आप ये बिठा लें कि जो होगा जैसा होगा देख लेंगे। अपनी आंखों के सामने एक लाइन बनाइए कि जब होगा जैसा होगा उससे निपट लेंगे। मन के उस डर को दूर करने के लिए आपको ये चाहिए कि आपको ये समझना होगा कि यदि हो गया तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक, हमें अपना 100% देना है। आपको मालूम है ना कि आप में कितनी क्वालिटी है, अपने आप को अपने से बेहतर कौन जानता है। आपको मालूम है आप में अपना कितना टैलेंट है, आपको मालूम है आप में कितनी क्वालिटी है, आपको मालूम है कि आप जिस जॉब या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो ज़बरदस्ती मन में अपने आप को ये करना कि शायद मैं कुछ कर लूँ, उससे बेहतर है कि हम ये समझें कि जो हमारे टैलेंट की चीज़ है, जो हमारी क्वालिटी की चीज़ है, हम उस पर ध्यान लगाएं। अब क्या होता है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको अपना टैलेंट मालूम है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा हो उसका टैलेंट आपसे कम हो, ऐसा भी हो सकता है ना। सबको मालूम है एक ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था, किसी फिल्म डायरेक्टर ने ये बोलकर उनको रिजेक्ट कर दिया था वो लंबू हैं, और क्या है आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ा महाकलाकार है वो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर जॉब हर जगह के लिए उपयुक्त हों, ठीक, ये बिल्कुल। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस रखिए, दुनिया में होने वाली 50 बातों पर अपना दिमाग नहीं लगाइए, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में रखिए। आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तो आप ही अनयूजुअल फियर से बाहर निकलेंगे और सक्सेस रेशो अपना बड़ा पाएंगे। ध्यान रखिए आप इस बात को।